2012 कस्टडी पीरियड, कस्टडी पीरियड है ट्रायल में 14 मंथ, ट्रायल में 14 मंथ 14 महीने जेल में रहा है और जजमेंट डेट से, जजमेंट डेट से 7/6/2022 कितना हो गया, 14 महीने प्लस 1 साल, हाँ जी सर 1 साल 2 महीने, 1 साल 5 माह है, 1 ईयर 2.5 साल हो गया टोटल आपको। ऑफेंस क्या है? ऑफेंस है सर इसमें 364A और काउंट मामला है 302, तामे 364A में कन्विक्शन दिया है LI और 25 आर्म्स एक्ट में दिया है 3 बार। 302 में भी है? 302 में सेंटेंस नहीं दिया, दोषी पाया है लेकिन 364A में तो एक ही हो गया ना जी, सेपरेट उसमें तो लाइफ ही है ना जी। किसको, कितना, किस उम्र का आदमी इसको मारा आपने? सर मैं प्रोसिक्यूशन स्टोरी इनका पढ़ देता हूँ, पैरा 3 में है सर। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि होतीलाल ने सूचना दी कि उसकी ससुराल ग्राम खंजापुरा में मनसाराम जाटव के यहाँ है, उसकी भैंस एवं पड़ा उसकी ससुराल में थे, उसे लेने के लिए दिनांक 21/8/2012 को अपने गाँव से अपनी ससुराल गया था। ससुराल में 2 दिन रुकने के बाद दिनांक 23/8/2012 को सुबह 7:30 बजे अपने शालिद धर्मेंद्र जाटव को साल लेकर भैंस एवं पड़ा हाँक कर रतनगढ़ माता मंदिर के जंगल से अपने गांव जा रहा था। दिन के 2 बजे सरादी का पटपरा जंगल पहुंचे तो वहां 3 बदमाश मिले जिनमें 2 .315 बोर की देशी हाथ की बनी बंदूक लिए थे, एक 315 बोर का कट्टा लिए था, तीनों बदमाश पैंट शर्ट पहने थे, एक बदमाश छोटे कद का गोरा रंग घुंघराले बाल थे, नीले रंग का जींस व सफ़ेद शर्ट पहने था, दूसरा बदमाश रंग सांवला हल्की दाढ़ी काली टी शर्ट तथा मटमैले रंग का जींस पहने था तथा तीसरा बदमाश का रंग सांवला था, स्लेटी रंग की शर्ट व अंदर लाल बनियान आसमानी रंग का पैंट पहने था। पहले व दूसरे बदमाश की उम्र लगभग 35 वर्ष एवं तीसरे बदमाश की उम्र 45 वर्ष होगी। तीनों बदमाश बोले कि हम तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं, तुम्हारी पकड़ करनी है। एक बदमाश ने भैंस में 2 लट देकर जंगल की तरफ भगा दिया, दूसरे बदमाश ने उसकी तलाशी ली, पैंट में रखे 3500 रुपये एवं मोबाइल जबरन छुड़ा लिया, तीसरे बदमाश ने धर्मेंद्र जाटव का मोबाइल रुपए और जबरन छुड़ा लिए, फिर तीनों बदमाश पकड़ कर अपने अपने साथ साथ जंगल में पैदल चलाते रहे। इस ऑफेंस के लिए तो सर एक्टुअल किया ट्रायल कोर्ट ने 394 और 120 में। अभियोजन का मामला यह भी है कि रात करीब 8 बजे देवगढ़ गांव के पहुंचे तो गांव में पहुंचते ही मौका पाकर होतीलाल बदमाशों से छूटकर गांव के एक घर में घुस गया। होतीलाल चिल्लाया तो हल्ला सुनकर तीनों बदमाश उसके साले धर्मेंद्र का अपहरण कर ले गए और डर के कारण रात भर देवगढ़ गाँव में राजू गुर्जर के यहाँ छिपा रहा। बदमाश उससे व उसके साले से देवगढ़ आते समय जंगल में कह रहे थे 10 लाख में पकड़ छूटेगी, पैसे नहीं देंगे तो जान से मार देंगे। आज सुबह उसके परिवार वाले उसके पास पहुंच गए जिनके साथ रतनगढ़ माता पर आया है तथा घटना की रिपोर्ट कर रहा है। बदमाशों के आने पर पहचान लेंगे, बदमाशों ने उसकी और उसके साले की मारपीट की, फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीवृत किया और फिरौती की रकम की मांग की गई, नहीं देने पर आहत धर्मेंद्र की हत्या आरोपियों द्वारा की गई। सर सबसे मेन बात यह है कि सर ये ट्रायल कोर्ट ने जिस साक्ष को विश्वसनीय मान के सजा दी है और उसी साक्ष को अविश्वसनीय भी मान रही है, उसी साक्ष को, क्योंकि जब ले गए जो इसमें एक आई विटनेस है होतीलाल, तो इसके संबंध में इनका कहना लूट की जे की उसके संबंध में तो अविश्वसनीय ट्रायल कोर्ट मान रही और उसी साक्ष को विश्वसनीय भी मान रही, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक उसी साक्ष को ट्रायल कोर्ट विश्वसनीय माने और उसी साक्ष को अविश्वसनीय माने। अब और जो जिसके यहाँ रुके PW8 राजू जो होस्टाइल है सर, तो और डिसमिस सब बिल्कुल सीरियल नंबर 7 आफ्टर फोबिक की प्रेयर 6 वीक्स बाद लगाइए
6 weeks, huh? Where the order is.